देशभरात कोरोनामुळे अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला. याच कोरोनाला प्रतिबंधक असलेली लस आता नागरिक घेत आहेत. कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी ही लस घेण्याचं आवाहन अनेक जण करताना दिसतात. मनोरंजन विश्वातील अनेक कलाकारांनी आतापर्यंत ही लस घेतलेली आहे. लस घेतल्यानंतर सोशल मीडियावर ते फोटो शेअर करत इतरांनाही लस घेण्याचं आवाहन करताना दिसतात. अभिनेता रितेश देशमुख आणि त्याची पत्नी जेनेलिया देशमुख यांनीही नुकतीच ही कोरोना प्रतिबंधक लस घेतली. सोशल मीडियावर दोघांनी लस घेतानाचे फोटो शेअर करत इतरांनाही लस घेण्याचं आवाहन केलंय. आतापर्यंत अनेक कलाकारांनी सोशल मीडियावर आपले लसीकरणाचे फोटो शेअर करत इतरांना सुद्धा लस घेण्याचं आवाहन केलेलं आहे. तुम्हीही आतापर्यंत जर कोरोना लस घेतली नसेल तर तुम्हीही लगेच रजिस्ट्रेशन करा आणि कोरोना लस घ्या. आणि जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लगेचच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. फिलहाल जो हमारे पास 350-400 डोज अवेलेबल थे कोविशील्ड से वो हम दे चुके हैं. और दूसरे जो भी हमको कोटा देना है उसकी राह देख रहे हैं. कोवैक्सीन सेकेंड डोज के लिए अवेलेबल है. 2000 के आसपास डोज कोवैक्सीन के लिए हम चालू कर रहे हैं. सर, तो कोविशील्ड की वैक्सीन कब तक आ पाएंगी? जो फर्स्ट डोज वाले लोग हैं या सेकेंड डोज वाले लोग हैं कब तक अवेलेबल हो पाएगी जानकारी आपके पास? स्टॉक अवेलेबिलिटी कब तक हो पाएगी? हमें जो मालूमात मिली है उनको शाम तक आने की शंका है और शाम तक आते ही हम कल शुरू कर देंगे. कोवैक्सीन का जो सेकेंड डोज अवेलेबल है लोगों के लिए वो कितनी डोज अवेलेबल है और कब तक वो चल पाएगा आपके मुताबिक? कोवैक्सीन का जो सेकेंड डोज है वो 2000 के आसपास अवेलेबल है और आज का दिन उसमें निकल जाएगा. सर, ये अचानक से खत्म होने के पहले क्या आपने किसी को इंटिमेट किया था कि आपके पास आज का स्टॉक कम है, खत्म हो सकता है दिन में? नहीं, हमें भी कल रात को मालूमात मिली. जैसे हमको रात को मालूमात मिली हमने हमसे जो बन पड़ा है छोटे मोटे बोर्ड लगा दिए. हमारी टीम को यहाँ खड़े किया है, पुलिस को बुलाया कि जितने भी नागरिक आ रहे उनको आप बता दीजिए.